तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। और देखिए, आज जैसे कि 26 जनवरी है, तो आज हम छतों से ही काइट फाइटिंग करने वाले। और ये मेरे हाथ में देखिए अद्दी पतंग, भाई काफ़ी बढ़िया पतंग है। और पीछे अगर मैं इसके दिखाऊं, देखिए घुटाई करी भी पतंग है। और मेरे आगे काफ़ी ज़्यादा पतंगबाजी हो रही है, तो अभी हम क्या करने वाले, इस पतंग को पार करेंगे और फिर दूसरों की पतंग काट के दिखाते हैं। और देखिए मंजा कौन सा यूज कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा भाई मंजा, तो साजिद भाई का ये मंजा है पिंक कलर का। तो मंजा काफ़ी बढ़िया और चढ़ा हुआ मंजा है, ये खींच के लड़ाने के लिए काफ़ी बढ़िया मंजा होता है चढ़ा हुआ। तो देखिए इसी मंजे से हम अभी इस पतंग को पार करते हैं और फिर दूसरों की पतंग काट के आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए इस पतंग को हम पार कर लेते हैं। और जो आज हवा की स्पीड है वो थोड़ी हल्की है, मतलब हवा बीच में कभी आ जा रही है फिर हवा एकदम से मर जा रही है, तो कुछ ये सीन है आज हवा का। और जो पतंग मैं पार कर रहा हूँ भाई, काफ़ी मतलब टाइट पतंग है ये। तो देखते हैं कि इस पतंग से हम कितनी पतंग काटते हैं। और ज़्यादातर जो मैं पेड़ लड़ाऊँगा आज की वीडियो में, वो ऊपर से ही लड़ाऊँगा, क्योंकि जो मेरी पतंग है भाई वो टाइट है थोड़ी, तो मुझे लगता है कि ऊपर से मुझे पेड़ लड़ाने चाहिए। और अभी तो पतंग हम पहले पार कर लेते हैं और फिर जो आगे पतंगें दिख रही होंगी आपको, अभी मैं उनमें फोकस करूंगा और फिर उन्हीं की पतंग काट के आप लोग को मैं दिखाता हूं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं मेरा पहला पेज आ गया है। तो जो आपको रेड सर्किल के अंदर पतंग दिख रही होगी ये मेरी पतंग है, मैं ऊपर से पेज लड़ा रहा हूँ। और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। और जो वो पतंग उड़ा रहा है ना हमारा अपोनेंट, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे उसकी छत है, मतलब उसकी एक मंजिला छत होगी और जो हमारी छत है वो दो मंजिल है, तो थोड़ा डोर भी लेट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी पतंग पटक दे रहा हूँ, तब भी डोर नहीं मिल रही है, ये देखिए। तो यही है भाई, अगर कोई नीचे से पेज लड़ाता है, मतलब नीचे खड़े होकर, और आप उससे ऊँची जगहों में खड़े हैं, तो थोड़ा डोर लेट मिलती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ये देखिए पूरी पतंग मैंने पटक दी, अभी भी डोर नहीं मिली है। तो वो मेरा झोल काटना चाह रहा था लेकिन मैंने अपनी पतंग यहाँ पे बचा ली। तो ये देखिए फिर से मैंने पतंग पटकी है, वो ये चला देखिए, और उसने पतंग हमें अपनी खड़ी करके दी है। मैंने पतंग पटकी है, ये मैंने बाहर को खींची है पूरी और देखिए काट दी। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि पतंग काफ़ी देर में कटी है, क्योंकि डोर जो होती है वो काफ़ी लेट मिली है। यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड पेज आ गया है। तो जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी मेरी पतंग है, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ। और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। तो फिर से मैंने पतंग अपनी पूरी पटकी है, ये उनने बाहर को खींची और देखिए मैंने भी एकदम क्रॉस में अपनी खींची थी, और फिर से हमने देखी उसकी पतंग काट दी है। देखिए रेड सर्किल के अंदर हमारी पतंग नहीं, मैं ऊपर से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। तो ये चला मैं उसके मुंह की तरफ, वो भरते हुए आ रहा, मैंने पतंग पटकी और यहाँ पे डोरा देना शुरू करा। और देखिए जो बंदा ज़्यादा आपके हाथ की तरफ घुसा करे तो ऐसे ही आप डोरा लगा दिया करो, और कितने आराम से हमने देखी उसकी पतंग काट दी है। पीछे से भी आप देख सकते हैं पतंगें कट के आ रही हैं, ये देखिए पट्टेदार पतंग रही। और काफ़ी ज़्यादा आज यहाँ पे पतंगबाजी हो रही है मेरी तरफ 26 जनवरी को। और ये देखिए पतंग उसने लपेट ली है, फिर से ये पतंग छूट गई है। और ये देखिए पतंग का डोरा मुझे दिख गया है, पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। तो पकड़ते हैं इस पतंग को, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही डोर, ये रही भाई, ये देखिए आ गई, आ गई, ये आ गई पतंग, ये देखिए ये रही पतंग, पट्टेदार पतंग है अद्दी। और लोकल पतंग, किसी कारीगर का तो नाम लिखा नहीं है इसमें। और देखिए पतंग भी सही है और किसी सही बंदे ने उड़ाई होगी ये पतंग, लेकिन एक बात मुझे बहुत बुरी लगी इस पतंग में कि देखिए चाइना मंजे से ये पतंग कट के आई थी और चाइना से इसके कन्ने बंधे थे। तो यार चाइना प्लीज़ यूज मत करो, अपना इंडियन मंजा यूज करो, 1-2-3 की डोर यूज करो कॉटन। रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग है और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, ये उसने खींची है, मैंने डबल का पेज बना के खींची ऊपर को। और देखिए एक और पतंग हमने काट दी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाली पतंग भी हमने काट दी, और ये मेरी पतंग रही जो ऊपर खड़ी होकर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको पतंगें देखने को मिल रही होंगी,
और देखिए 26 जनवरी है आज, और कितनी ज़्यादा पतंगें उड़ रही हैं मेरी तरफ। और मेरी देखिए अभी पतंग कट गई थी, और यहाँ पे देखिए दूसरी पतंग मैंने पार करी है। पहले मैं व्यू दिखा दूँ, और अब शाम का टाइम है तो हवा भी काफ़ी अच्छी खुल के आ गई है और काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ने लगी हैं इधर। और सामने जो आपको पतंग दिख रही होगी ये मेरी पतंग रही, अभी तो कोई मुझसे फ़िलहाल लड़ाने वाला है नहीं। और इधर मैं दिखाऊँ तो एक गिलहरा पतंग देखिए यहाँ से पार हो रही है, तो जैसे ही कोई हमसे लड़ाने वाला आता है मैं आपको दिखाता हूँ पेड़ लड़ा के। तो सामने आपको पतंग दिख रही होगी उसी से हम अभी लड़ाते हैं। तो ये देखिए मैंने पतंग अपनी नीचे पटकी है, रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग रही मैं ऊपर से हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है नीचे से। और देखिए कितने आराम से हमने उसे काट दिया, जैसे उसने सीधी खींची मैंने उसके हाथ की तरफ का रुक दिया। लेकिन इस पेज में आपको डोर मतलब मिलने का टाइमिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक और पेज लड़ने लगा, जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग है मैं ऊपर से हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो नीचे से आ रखा है। तो फिर से देखिए वो आया काफ़ी नीचे, पतंग पटक के लड़ा रहा है, पूरी पतंग मैंने पटकी, और देखिए फिर से मैंने उसकी पतंग काट दी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है, अभी मैंने कम से कम उसकी चौथी पतंग काट दी है आज ही, और वो अब तो पूरा पागल हो गया होगा क्या करूँ मैं। यहाँ पे देखिए एक और पेज आ गया, तो सामने जो आपको पतंग दिख रही होगी रेड सर्कल के अंदर ये मेरी पतंग है मैं ऊपर से हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो नीचे से देखिए आ रखा है, और काफ़ी ज़्यादा भर के आ गया वो। ये उसने सीधी खींची मैंने रुक दिया, फिर उसने खींची फिर मैंने रुक दिया, उसी के हाथ की तरफ का पूरा रुक दे दिया। और वो हमारा झोल काटना चाह रहा था, लेकिन तब भी उसकी पतंग कट गई, मेरी खींच उससे थोड़ी सी तेज़ थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने उसकी पतंग काट दी है, और ये रही मेरी पतंग। तो देखिए जितने भी आज मैंने पेड़ लड़ाए सब ऊपर से लड़ाए। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, और देखिए आज की वीडियो में हमने अच्छी खासी पतंगबाजी करी है, और काफ़ी ज़्यादा हमने आज पतंगें काटी हैं, और पूरा देखिए कैमरेमैन हमने आपको दिखाया, और सारे पेड़ देखिए ऊपर से लड़ाएँ। तो 26 जनवरी की यही थी भाई काइट फाइटिंग, और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा आज मैंने, और काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ाई हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी 26 जनवरी आपने कैसे मनाई, आप लोग की तरफ भी क्या काइट फाइटिंग हुई थी 26 जनवरी को, या आपने क्या कैसे सेलिब्रेट करी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपको इंस्टाग्राम में और आईडी मिलेंगी काइट लवर के नाम की, जिसमें मेरे चैनल का लोगो लगा है, वो मेरी आईडी नहीं है, जो मेरी ओरिजिनल आईडी है वो उसका लिंक मैंने देखिए इसी वीडियो के नीचे दे रखा है। तो आप लोग जाके मेरी ओरिजिनल आईडी को फॉलो करें, जो अर्पित नाम से, अर्पित गौड़ के, तो उसे जाके ज़रूर फॉलो करें, उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यही थी आज की वीडियो, और देखिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। दोस्तों मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।